ये पहली बार हुआ है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक में मंत्री व विधायक पहुंचे थे। ये बात कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कही। शांता ने कहा कि वह पिछले काफी समय से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन आज पहली बार मंत्री व विधायकों ने इस बैठक में उपस्थिति दर्ज करवाई है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। शांता कुमार ने कहा कि पठानकोट मंडी फोरलैन की अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। फोरलैन निर्माण के दौरान कस्बे प्रभावित न हो, इसके लिए NHAI फ्लाई ओवर व बाईपास की व्यवस्था करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन फोरलैन के लिए भूमि अधिग्रहण व मुआवजा प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करना सुनिश्चित करे। शांता ने कहा कि कांगड़ा व चंबा में पर्यटन विकास एवं रोजगार अवसर पैदा करने को लेकर उन्होंने मंत्रियों व विधायकों से बैठक की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर्यटन का दोहन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि चंबा में सीमेंट उद्योग स्थापित करने से कांगड़ा व चंबा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिला कांगड़ा की पोप बांध और चंबा की झीलों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को उद्योग और पर्यटन संबंधी योजनाएं तैयार करने को कहा गया है, जिसे स्वीकृत के लिए केंद्र को भेजकर मंजूर करवाया जा सके। शांता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सीयू के तहत बनने वाले मेडिकल कॉलेज के फंड को बिलासपुर में बन रहे एम्स के लिए दिए जाने के आरोप निराधार हैं। आगामी चुनाव लड़ने के सवाल को भी शांता कुमार टाल गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर कांग्रेस की जल्दी से ज्यादा जल्दी है। सीयू पर पूछे गए सवाल पर शांता ने कहा कि केंद्र की मंत्री सीयू का शिलान्यास करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश सरकार द्वारा औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की गई थी। शांता ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को शीघ्र ही औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है, जिससे शीघ्र सीयू का शिलान्यास हो तथा निर्माण कार्य शुरू हो सके। महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हमने जो जो भी योजनाओं के बारे में लिए हैं, एक तो यह है कि भारत सरकार ने बहुत से नेशनल हाईवे, तो हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को भी आज मीटिंग में बुलाया था। वो परमानेंट सदस्य नहीं है, आज विशेष रूप से उनको बुलाया था, तो उसमें उनको ये कहा है भारत सरकार ने उस दृष्टि से अपना सारा काम कर लिया है, पैसा भेज दिया। पठानकोट मंडी फोर लेन इसकी अलाइनमेंट भी लगभग कंप्लीट है। आज उनके अधिकारियों ने पूरी अलाइनमेंट को माननीय विधायकों के सामने रखा, इनका कोई सुझाव, लगभग वो ठीक अलाइनमेंट हुई है। मैंने और रामस्वरूप जी ने दिल्ली में कई मीटिंगें करके उनको कहा था कि अलाइनमेंट ऐसी करना जिसमें कस्बे जो हैं, क्योंकि अगर आप मान लो शाहपुर के बीच में से लाना चाहेंगे, नगरोटा के बीच में से लाना, तो हमारी परेशानी हो जाएगी, वो संभव ही नहीं है। तो अलाइनमेंट जो भी हुई है, आज माननीय विधायकों ने देखी है, लगभग कस्बे बस्तियां उनको छोड़ा गया है, बाईपास बनाए गए हैं। शाहपुर में तो पूरा फ्लाई ओवर है, शाहपुर को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, तो लगभग जो अलाइनमेंट है वो लगभग काफी हद तक ठीक है। अब पैसा दिल्ली से आ गया है, अब राज्य सरकार की ड्यूटी है कि जल्दी से जल्दी जमीन को एक्वायर किया जाए, एक्विजिशन होगी तो काम शुरू हो जाएगा। तो आज हमने जिला प्रशासन को यही कहा कि जिला प्रशासन पूरा समय लगा करके, ध्यान लगा कर, बल्कि जो प्रारंभ के दो उसके हिस्से हैं, हमने कहा 31 मार्च से पहले पहले एक्विजिशन का काम, कंपनसेशन देने का काम आप पूरा करिए। हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। ये कांगड़ा और चंबा में पर्यटन का बहुत अधिक स्कोप है, बहुत अधिक स्कोप है, और मैं कई बार कहा करता हूं, मैंने इस बारे में अध्ययन भी किया है, स्विट्जरलैंड से हिमाचल में कुछ भी कम नहीं। कम एक ही बात है कि स्विट्जरलैंड ने तो बहुत कुछ कर लिया, बना लिया, टूरिस्ट को सीनिक ब्यूटी दिखा दी, हम कर नहीं सके। और दुनिया में सबसे तेजी से अगर कोई उद्योग बढ़ रहा है तो टूरिज्म बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो टूरिज्म देता है। तो हमने तय किया है
चंबा का सीमेंट का उद्योग प्राथमिकता के आधार पर उसमें काम करेंगे। फिर हमारे यहां पोंग डैम है, चंबा के अंदर लेक है, इन लेक्स के अंदर वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म की कितनी संभावनाएं हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जा सकता है। फिर इस सारे क्षेत्र में ये जो धौलाधार है, धौलाधार में तो पर्यटन का इतना पोटेंशियल है, तो कई स्थानों से रोप वे निकालकर, और पालमपुर है, तिरुंड है, ये सारा स्थान है, चंबा में एक दो सारे स्थान है। तो आज हमने ये तय किया, हमने अपने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की है कि इंडस्ट्री और पर्यटन से संबंधित कुछ अधिकारियों के साथ कांगड़ा के विधायकों की बैठक करवा दें, हम उनके साथ बातचीत करें, उनको सुझाव दें, तो इन परियोजनाओं के बारे में हिमाचल सरकार जल्दी से जल्दी प्रयत्न करे, इनिशिएट करे। उसके बाद दिल्ली में जो कुछ करना है वो हम सांसद बैठे हैं, हम वहां पर करें। तो मुख्य रूप से बाद में जो हम बैठे थे यही तय किया कि अब क्योंकि जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, तो रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। और यहां पर्यटन को, इंडस्ट्री को अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रोजगार की जो कमी है पूरी हो जाएगी। मेरा अनुभव यह है कि एक सीमेंट का उद्योग एक जिला की गरीबी बेरोजगारी पूरी तरह से दूर कर देता है। और चंबा में जो सीमेंट का रॉ मटेरियल है वो धारला घाट से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्वालिटी भी बेहतर है और क्वांटिटी में भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि चंबा का सीमेंट का उद्योग चंबा कांगड़ा की बेरोजगारी को बहुत हद तक दूर करेगा। सरकार को अधिकारी नहीं चला रहे हैं, बल्कि सरकार ही सरकार को चला रही है। ये बात खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने मिड हिमालयन प्रोजेक्ट की धर्मशाला में हेडक्वार्टर को लेकर पूछे गए सवाल पर कही। अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को अन्यत्र खोलने पर किशन कपूर ने कहा कि सरकार को सरकार ही चला रही है, कोई अधिकारी नहीं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि मिड हिमालयन प्रोजेक्ट कांगड़ा चंबा में चल रहा है, ऐसे में इसका मुख्यालय भी यही होना चाहिए।